हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल। दिस इज़ क्लास 3 फॉर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे 61 से लेकर के 90 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बुक जो फॉलो करेंगे इसके लिए वो है लूसेंट की जनरल इंग्लिश। यू कैन बाय दिस बुक फ्रॉम द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 61, अ शॉर्ट सेइंग और पोएम विच एक्सप्रेस एन आइडिया इन ए वेरी क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे। अम्यूजिंग मतलब होता है मनोरंजक, ठीक है। किसी आइडिया को एक्सप्रेस करना बाय ए सेइंग और ए पोएम मनोरंजक वे में, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एपिग्राम। क्या कहते हैं उसको? एपिग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है अ शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर, इसको हम कहेंगे एक्सकर्जन। क्या कहेंगे इसको? एक्सकर्जन, छोटी सी जर्नी जो आनंद के लिए की जाती हो, ठीक है। एक्सकर्जन मतलब सैर सपाटा, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। 63 है अ शॉर्ट एक्सप्रेशन ऑफ जनरल ट्रूथ, उसको हम कहेंगे प्रोवर्ब या डिक्टम या मैक्सिम या अडेज। तो इसके चार वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हैं, ठीक है। क्या मतलब होता है इनका? हिंदी में इनका मतलब होता है कहावत, ठीक है। नेक्स्ट है अ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, किसी वास्तविक घटना या व्यक्ति के बारे में एक कोई मनोरंजक स्टोरी, उसको हम बोलते हैं एनेक्डोट। एनेक्डोट मतलब किस्सा, ठीक है। एनेक्डोट मतलब किस्सा। नेक्स्ट है स्कॉर्नफुल और कंटेम्पचुअस लैंग्वेज, तिरस्कारपूर्ण या घृणापूर्ण लैंग्वेज, तो उसको कहते हैं हम अप्रोब्रियम। क्या कहते हैं उसको? अप्रोब्रियम। अप्रोब्रियम मीन्स अपमानजनक भाषा, ठीक है। नेक्स्ट है साइंस ऑफ वेट, इसको हम कहेंगे मेट्रोलॉजी। क्या कहेंगे इसको? मेट्रोलॉजी, हिंदी में बोले तो माप विज्ञान। हिंदी में क्या कहेंगे? माप विज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट है साइंस ऑफ टाइम, समय का विज्ञान, तो उसको क्या कहेंगे? हरोलजी। क्या कहेंगे उसको? हरोलजी। हरोलजी मीन्स समय विज्ञान। 68 है साइंस ऑफ राइटिंग एंड कंपाइलिंग ए डिक्शनरी, शब्दकोश को लिखने का ज्ञान और उसको कंपाइल करने का जो विज्ञान होता है उसको हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफी। क्या कहते हैं उसको? लेक्सिकोग्राफी, ठीक है। हिंदी में बोले तो शब्दकोश विज्ञान। 69 साइंस ऑफ द रेसिस ऑफ मैनकाइंड एंड देयर रिलेशन टू वन अनदर, हिंदी में इसको कहेंगे मानव जाति विज्ञान, और इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है एथनोलॉजी। क्या है इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट? एथनोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है साइंस ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, इसको कहेंगे एनाटॉमी। क्या कहेंगे इसको? एनाटॉमी, हिंदी में बोले तो शरीर रचना विज्ञान। 71 साइंस ऑफ द हैबिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरमेंट, इसको कहेंगे लोकल लैंग्वेज में इकोलॉजी, ठीक है। अकोलॉजी इसके लिए करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, हिंदी में बोले तो पारिस्थितिकी विज्ञान। नेक्स्ट है साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ होल यूनिवर्स, तो इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है कॉस्मोग्राफी। जब यूनिवर्स वर्ड आ जाता है तो वहां पे कॉस्मोस जरूर आएगा, ठीक है, तो इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है कॉस्मोग्राफी। कॉस्मोग्राफी मीन्स विश्व रचना विज्ञान। 73 है साइंस ऑफ द कॉजेस ऑफ डिजीजेस, बीमारियों के कारण को जानने का विज्ञान, उसको कहेंगे इटियोलॉजी, ठीक है, और ये भी स्पेलिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है, इटियोलॉजी। नेक्स्ट है साइंस ऑफ मैनकाइंड एज एन एनिमल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में आया है, इसको कहेंगे एंथ्रोपोलॉजी, हिंदी में बोले तो मानव शास्त्र और इंग्लिश में इसको कहेंगे एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है साइंस ऑफ मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल आर्ट्स, तो इसके लिए वर्ड है टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी मतलब शिल्प विज्ञान। नेक्स्ट है सिग्नेचर ऑन द बैक ऑफ ए चेक और पेपर, इसको कहते हैं एंडोर्समेंट, ठीक है, चेक या पेपर की बैक साइड पे सिग्नेचर, उसको क्या कहेंगे? एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट मीन्स हस्ताक्षर। शोइंग कंटेम्पचुअस इंडिफरेंस, इसको कहेंगे सुपरसीलियस। क्या कहेंगे इसको? सुपरसीलियस। सुपरसीलियस मतलब घमंडी, ठीक है, किसी को इग्नोर कर देना अपमानजनक तरीके से, तो उसको बोलेंगे कंटेम्पचुअस इंडिफरेंस। नेक्स्ट है ए शॉर्ट समरी ऑफ ए बुक और स्पीच, किसी बुक और भाषण की छोटी सी समरी, उसको कहेंगे एपिटोम। क्या कहेंगे उसको? एपिटोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट है सिग्नल अंडर मार्शल लॉ फॉर पीपल टू रिमेन इंडोर्स, लोगों के लिए सिग्नल अंडर द मार्शल लॉ कि वो घरों में रहें, तो उसको क्या कहेंगे? कर्फ्यू। क्या कहेंगे उसको? कर्फ्यू। शोइंग डीप सोरो फॉर रॉन्ग डूइंग, गलत कार्य करने के बाद जो पछतावा होता है
उसको शो करना। तो उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है कंट्राइट। क्या है कंट्राइट? कंट्राइट मतलब पश्चाताप से भरा हुआ या पश्चाताप करना। नेक्स्ट है शेमलेसली रूड, तो उसको हम कहेंगे इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट मतलब हठी, ठीक है, निर्लज, ढीठ, ये काफी वर्ड है इसके लिए हिंदी में। नेक्स्ट है सीरियस क्राइम लाइक मर्डर आर्सन, ठीक है, तो उस क्राइम को हम कहेंगे फेलनी। क्या कहेंगे? फेलनी। फेलनी मतलब महा अपराध। फेलनी का मतलब क्या है? महा अपराध। नेक्स्ट है सेंड रेज ऑफ लाइट और हीट, उसको कहेंगे रेडिएट, जैसे सन अपनी लाइट को रेडिएट करता है तो प्रकाश को वो हमें देता है, भेजता है हमारे पास प्रकाश को और हीट को। नेक्स्ट है सेंड बैक ए क्रिमिनल इनटू कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ये तो काफ़ी इजी आप लोगों को पता भी होगा, इसको कहेंगे रिमांड, ठीक है। नेक्स्ट है सीक्रेट प्लेस डिफिकल्ट टू एक्सेस, ऐसा गुप्त स्थान जिसको एक्सेस करना मुश्किल हो उसको कहेंगे रिसेस। रिसेस मतलब गुप्त स्थान। नेक्स्ट है सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस, फ्रॉड करने के उद्देश्य से किया गया सीक्रेट एग्रीमेंट, उसको कहेंगे कल्यूजन। क्या कहेंगे उसको? कल्यूजन, स्पेलिंग याद रखना। नेक्स्ट है सर्च इन द डार्क, अंधेरे में सर्च करना, अंधेरे में खोजना, तो दो वर्ड हैं इसके लिए, एक है ग्रोप और दूसरा है फंबल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है, खास करके फंबल। नेक्स्ट है सर्च फॉर समथिंग, किसी चीज़ को खोजना, उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है क्वेस्ट, ठीक है, लाइक यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द क्वेस्ट ऑफ गेनिंग नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट है सीक्रेट रिलीजियस मीटिंग, तो उसको क्या कहते हैं? कॉन्वेंटिकल। कॉन्वेंटिकल मतलब गुप्त धार्मिक सभा, ठीक है। नेक्स्ट है सी विद ए ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स, इसको कहेंगे आर्किपेलागो। क्या कहेंगे इसको? आर्किपेलागो, द्वीप समूह। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपको एक बार फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।